वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। और आज हम एक होली वाली पेंटिंग बनाने जा रहे हैं। होली आ भी चुकी होगी शायद से, जब मैं ये वीडियो अपलोड कर दूंगी तब तक। तो ये मास्किंग टेप लगा रही हूँ अच्छा वो फिनिशिंग लुक देने के लिए। तो चारों तरफ लगा दूंगी, जितनी तरफ पेंटिंग करनी है उसकी चारों तरफ इस तरह से लगा देने वाली हूँ मैं ये वॉशी टेप, जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से। तो इस होली पेंटिंग के लिए मैंने सारे प्रिपरेशन कर दिए। ये 5 ऑयल पेस्टल कलर लिए हैं मैंने, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने वॉशी टेप भी लगा दिए हैं। तो अभी जो पूरा वीडियो टाइम लैप्स में ही आपको दिखेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राइमरी 3 कलर्स रेड येलो एंड ब्लू 3 कलर्स मैं लगाने वाली हूँ। बाद में मैंने प्लान चेंज कर लिया और भी सारे कलर्स लगाए 5 कलर के अलावा। 11 कलर्स मैंने लगाए हैं यहाँ पर। पेज पर कलरिंग फिनिश करने के बाद मैं टिश्यू से यहाँ पर स्मज कर रही हूँ, क्योंकि खाली गैप्स भर जाए और अच्छा दिखे, इसलिए ब्लैंक स्पॉट ज़रा भी ना रहे इसलिए स्मज करना पड़ता है इन ऑयल पेस्टल कलर्स को। अभी लिख रही हूँ मैं हैप्पी होली, नहीं होली है लिखने वाली हूँ मैं, तो वही यहाँ पे स्केच पेन से लिख रही हूँ होली है ऐसा लिख रही हूँ। होली है लिख देने के बाद अभी पूरा जितनी भी जगह रही है नीचे की वो सारी भर दी मैंने ब्लैक ऑयल पेस्टल से। और अभी है होली है मैं डार्क कर रही हूँ स्केच पेन से। मैंने कलर ऑयल पेस्टल से किया हुआ ब्लैक ऑयल पेस्टल से क्यों भर दिया वो भी मैं बता रही हूँ अभी। ये स्क्रैपिंग टूल लेके मैं बनाने वाली हूँ पूरी पिचकारी की ड्राइंग, 2 पिचकारी की ड्राइंग इस स्क्रैपिंग टूल से बनाऊँगी, कैसे वो आप देखते जाइए। पूरी हैप्पी होली और होली है ड्राइंग करने के बाद अभी सेटिस्फाइंग मास्किंग टेप हटा रही हूँ, वो देखते जाइए लास्ट वाला जो है वीडियो क्लिप, वो अभी ये लास्ट वर्क ही कर रही हूँ मैं। और बाद में कलर दिखाने के लिए स्क्रैपिंग टूल फिर से इस्तेमाल करूँगी, वो भी देखिएगा आप।
चारों तरफ से क्लीन एजेस निकल जाने के बाद अभी जैसे कि मैंने कहा था कलर्स दिखाने के लिए स्क्रैपिंग टूल यूज़ कर रही हूँ मैं। इस तरीके से पूरे पेजेस पे ही ऐसा करूँगी मैं पूरा कलरफुल लुक क्रिएट करने के लिए। तो इस वाली पेंटिंग में मैंने कौन कौन से कलर यूज़ किए पेस्टल ऑयल पेस्टल कलर वो दिखा रही हूँ। ये वाला पेरेनियम पहले यहाँ पर यूज़ किया, ये ब्लू पेरेशियन ब्लू, मीडियम येल्लो, डीप येल्लो, लीफ ग्रीन, ये वाला ब्लू भी यूज़ किया था, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू भी कहते इसको, ये वाला रेड या बीच में किया था, कौन सा है, प्राइमरी रेड, मेन वाला रेड है ये जो कि रास्पबेरी जैसा लगता है, यूज़ किया था जो कि है फ्लोरोसेंट पिंक, जो है सिंपल सा पिंक देख सकते हैं आप, तो ये यूज़ किया था, वाला ग्रीन लाइट ग्रीन, तो इतने कलर यूज़ किए थे। कोबाल्ट ब्लू ह्यू, ये बहुत ही प्यारा कलर है, पूरे गया था तो इतने 11 कलर यूज़ किए थे। और होली है लिखने के लिए जो साथ में आई थी डॉम्स की वो वाली स्केच पेन स्केच मैक्स, और एक टूल है बहुत इम्पोर्टेंट जो कि ये ऑयल पेस्टल से मैंने ये सारा एरिया कवर करके बाद में इससे ये लिखा भी और ये वाली ड्राइंग भी बनाई, आपने देखा ही होगा, तो ये वाला टूल यूज़ किया था मैंने, तो ये स्क्रैपिंग टूल भी यूज़ किया मैंने। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगली वीडियो में, और अगला वीडियो ब्लॉग पे आने वाला है तो ज़रूर देखिएगा।